आईपीसी 490 ATA का असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी विवाहित महिला के साथ में उसके ससुराल पक्ष के द्वारा डोरी को लेकर प्रताड़ित करना, परेशान करना, यातनाएं देना, ये सारा मैटर है जो आईपीसी 490 ATA के अंतर्गत आता है। यानी कि आसान शब्दों में बता दूं, अगर किसी पत्नी के साथ में उसके पति, पति के रिश्तेदार, जो भी घर वाले हैं, उनके द्वारा अगर डोरी को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, यानी कि मार पिटाई की जाती है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ये सारा मैटर है जो आईपीसी 498A के अंतर्गत आता है। इस वजह से आईपीसी 498A बनी गई है कि यहाँ पे अगर पत्नी के साथ में इस तरीके से गलत होता है तो पुलिस थाने में जाके या फिर कोर्ट में जाके इस धारा के अंतर्गत न्याय ले सकती है। यहाँ पे जो भी उसके साथ में डोरी को लेकर गलत करते हैं उनके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत केस करवा के उन सभी को सजा दिलवा सकती है। तो इस वजह से ये आईपीसी 498A का गठन किया गया है। यानी कि यहाँ पे अगर इस धारा के अंतर्गत जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ में उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये इस वजह से आईपीसी 498A बनी है। पर आजकल माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के मामले ऐसे पहुँच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा झूठे आ रहे हैं। यहाँ पे झूठे मामलों की अधिकता को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के अंदर बहुत बड़ी बात कही है। तो यहाँ पे क्या बात कही है, यही पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फायदे का वीडियो है। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ अटकुर जितेंद्र। आज मैं बताने वाला हूँ कि आईपीसी 498A का वर्तमान समय के अंदर बहुत ज़्यादा मिसयूज देखने को मिल रहा है। आईपीसी 498A के फॉल्स मामले हैं जो काफ़ी अधिक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। और यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498A को लेकर इस निर्णय के अंदर काफ़ी बड़ी बात, यानी कि बहुत बड़ी बात कही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस धारा का इस्तेमाल है जो वर्तमान समय के अंदर एक हथियार की तरह किया जा रहा है, एक सौदेबाजी का गढ़ बन गया है। एक बार तो इस धारा के तहत है जो मुकदमा हो जाता है, उसके बाद में धारा है जो हट भी जाती है, यानी कि कुल मिला के एक सौदेबाजी का गड्ढा है जो दिखाई दे रहा है। अगर किसी मामले के अंदर कोई तथ्य भी नहीं है और पत्नी के लिए जाके बोलती है कि मेरे साथ मेरे पति, पति के रिश्तेदार, जो घर वाले हैं, उन्होंने क्रूरता की है, तब भी यहाँ पे आईपीसी 498A के तहत है जो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस धारा के अंदर परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है, परिवर्तन होना है जो बहुत ही आवश्यक है। यानी कि कुल मिला के ये दिखाई दे रहा है कि जो फॉल्स मामले हैं, जो झूठे मामले आईपीसी 498A के आ रहे हैं, उनके ऊपर अब रोक लगने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अब तथ्य देखे जाएंगे, पूरे मामले की परिस्थिति को देखा जाएगा। अगर वो मामला सच्चा दिखाई देता है तभी इस धारा के तहत जो मामला दर्ज होगा, अन्यथा दर्ज नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के दिखाई दे रहा है कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही है कि इस धारा के अंदर परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। यानी कि अब जो भी मामले आएंगे, पहले उन मामले को देखा जाएगा अच्छे से, उसके बाद में अगर वो सच्चे मामले होते हैं, यानी कि रियल में अगर पत्नी के साथ में आईपीसी 498 जैसी घटना होती है, तभी वो मामला है जो दर्ज होगा, अन्यथा दर्ज नहीं होगा। यानी कि झूठे मामले जो आईपीसी 498 के आते हैं उनके ऊपर अब रोक है जो लग जाएगी। तो यहाँ पे जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। और जिनके ऊपर ऑलरेडी आईपीसी 498 के फॉल्स मामले चल रहे हैं, उनको भी यहाँ पे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका साथ भी यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रही है, यानी कि कानून दे रहा है उनका साथ। यहाँ पे घबराने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर उनकी गलती नहीं है तो उनको कोई भी पनिशमेंट वगैरह नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे इस निर्णय से भी उनका उत्साह बढ़ा होगा। ऐसे मामले हैं जो बार बार अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे झूठे जो आईपीसी 498 के मामले हैं उनके ऊपर रोक लगाने की बात है जो कही जा रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय का लिंक है जिस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा निर्णय है, आपके फायदे का है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया, और शेयर भी कर दीजिए जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।